ये ग्राम पंचायत चुनाव होके सिर्फ 16 महीने का कालावधि हुआ है, 16 महीने का समय हुआ है, और ये बीजेपी सरकार ने पूरा समय हुआ नहीं अभी, और इसके बावजूद भी गेरखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की कोशिश की है। अभी अध्यादेश हम तक पहुंचने वाला है। ये जो उसूल होते हैं, कानून होते हैं, उन कानूनों के मुताबिक बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये सरकार की नियत है कि कोई भी सब कानून जो भी है वो सब के खिलाफ जाकर ये लोग ये फैसले लेते हैं ऐसे। और अभी नवरात्रि का जागर चल रहा है, और एक दलित नारी को जो सम्मान दिया था लोगों ने, जनता ने उनको मताधिक्य के साथ इस ग्राम पंचायत में सरपंच चुनकर भेजा था, और इनका एक दलित महिला का इन्होंने नगर पंचायत का दर्जा देकर जो सरपंच हमारी सरिता ताई रंगारी है उनका एक तरह से अपमान किया है, और जो लोगों ने इनको चुनकर दिया है, जो मतदाता है, उनका भी इन्होंने अपमान किया है, और इस कारण मैं सरकार का निषेध करती हूँ। किसी भी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एक ही साइड बता रहे कि इनको निधि मिलेगा, मतलब बढ़ाकर मिलेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब निधि मिलेगा तो लोगों पर उनका भुर्दंड भी आने वाला है, क्योंकि इनको टैक्स की रकम जो है ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। अभी कुछ 1000-2000 इनका टैक्स आता है, वो करीब लाखों में चला जाएगा, इसका मुआवजा कौन देगा? फिर हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं, लेकिन उनको नगर पंचायत करना ही था तो थोड़ा उसूल का भी ध्यान रखते। अभी 16 महीने का काल हुआ है, तो जो भी चुनकर आए हैं सदस्य, 17 सदस्य है, एक सरपंच है, तो इन फिर जो जनाधार है इनको जो मिला है उनका अपमान हुआ है ना एक तरह से, उनके साथ के जो सदस्य है वो भी इस बात से खफा है। तो आगे आपका क्या कदम रहेगा इसके बाद? आगे हम जो भी न्यायालयीन कार्रवाई होने वाली है वो तो करने ही वाले है, करेंगे ही, और सब लोग हमारे साथ है। जब इन्होंने वहां पर मंडप में बैठकर जब ये आंदोलन छेड़ा था, वहां पर किसी का भी इनको समर्थन नहीं था, गांव के कोई भी नागरिक वहां पर उपस्थित नहीं थे, सिर्फ कोई उनके ही 8-10 लोग वहां रहते थे हमेशा। आज जस्टम चौक कांती यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के सामने हम एक दलित महिला सरपंच पे अन्याय और अत्याचार जो हुआ है, शासन ने कुछ बता के ना का ग्राम पंचायत की परमिशन न ली है, पंचायत समिति की परमिशन न ली है, और जिला परिषद की चुनाव मंजूर न किए, विरोध में बावजूद होने के कारण जो गवर्नमेंट ने अध्यादेश निकाला है उसके विरोध में हम आज एक दिवसीय धरने आंदोलन पे यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे लोगों का बहुत समर्थन मिला है हमको कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो 17 महीने गुजर गए, कभी भी एक सरपंच को न्याय दिलाने के लिए, एक दलित महिला सरपंच को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। मेरे आपके माध्यम से यही कहना है कि नगर पंचायत न होने बाबत एक दलित महिला सरपंच के नाते कार्यकाल पूरा कर दिया जाए। मैं सुनील केदार, हमारे मार्गदर्शक और सुरेश भाऊ भोयर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमचे नेते यांच्या नेतृत्वात आम्ही इलेक्शन लढलो, आणि सरपंच पदावर मी आता 16 महिन्यापासून कार्यरत आहे। याच्या आधी 2007 पासून तर 2012 पर्यंत सरपंच राहिले, आणि 2012 पासून तर 2019 पर्यंत झेडपी सदस्य राहिले, आणि आता मी 2022 पासून तर आता म्हणजे 1.5-2 वर्ष झाले तर आता सरपंच आहे। तर एक म्हणजे सरपंच व्हायला 1-2-3 महिनेही नाही झाले, तर मला माझ्यावर म्हणजे 2-2, 4-4, 5-5 केसेस टाकले, आणि मला म्हणजे हे बीजेपी वाले असे टॉर्चर करत आहेत। एक एससी दलित महिलाला एवढं टॉर्चर करत आहे की एकावर एक केस टाकून हे कुठेतरी हरासमेंट करत आहेत, पण मी हरासमेंट कधी होणार नाही, आणि एक दलित महिला एक सशक्तीकरण म्हणून जाणारे डॉक्टर बाबासाहेब साहेबांची औलाद आहे, मी कधी
घाबरणार नाही आणि त्याचा बदला मी बरोबर घेईल. वेलकम टू MNM ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा. इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज. बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर. पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव. आओ जीवन के ख्वाब को सच करें. हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं. यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम. सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर.